Action was very good, and especially Tiger's acting. And Disha was average, and Tiger was very good, and all the other actors were amazing. And I love the action of Tiger. Action was superb. Yeah. बहुत बहुत कमेंट्री एक नंबर थी दोनों का. और रणदीप हुड्डा का नया लुक बहुत अच्छा लगा मूवी में. और लास्ट फाइटिंग बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छा, बहुत शानदार. फाइव. उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी एंड जो मूवी में सस्पेंस बना रहा वो बहुत अच्छा लगा. लास्ट तक सस्पेंस था उसमें एंड सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे थे. इमोशन था, स्टोरी बहुत अच्छा था. केमिस्ट्री वैसे अच्छी है मूवी में, पूरा एक्शन है तो रोमांस वगैरह इतना नहीं है, बट ऑल ओवर गुड है, मतलब ठीक ठाक. नहीं नहीं मुझे वैसा नहीं लगा. एक्शन तो है बट हॉलीवुड टच है. सॉरी हाँ एक वो ठीक ठाक है बट मुझे वो साथी पर्सनली बहुत फेवरेट है. सो अच्छा है, सुनने अच्छा है, डांस वांस कर सकते हो. एक्शन बहुत अच्छा था और रफ लुक मुझे टाइगर श्रॉफ का बहुत अच्छा लगा. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे. काम भी दोनों ने अच्छा किया, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी. गाना तो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे कुछ, लेकिन स्टोरी अच्छी थी, फाइट बहुत अच्छी थी, सीन्स बहुत अच्छे थे, डायलॉग बहुत अच्छे थे कि उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं. अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कितना कन्विंसिंग था, बिकॉज़ अहमद खान ने फर्स्ट टाइम कैमियो किया है. हाँ, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि एंड तक कि कौन विलन है. बड़ा सस्पेंस था, थ्रिलर था और रोमांस भी दिखाया. अच्छा है, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन लगा. लास्ट तक सस्पेंस रहेगा तो वो एकदम इंटरेस्टिंग बनाता है वॉच करने, तो वो बहुत अच्छी बात है. इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो बॉडी फ्रेमिंग है इनका हीरो का, जो स्टार का, और जो आइटम सॉन्ग है डेफिनेटली कम्प्लीटली अवेजम है ये. फर्स्ट पार्ट इज एज यूजुअल, लेकिन जो सेकंड पार्ट जो चल रहा था वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंटरटेनमेंट, पूरा फुल ऑफ धमाल पैकेज है वो. फुल्ली फोर. द मूवी वॉज फाइन, स्टोरी लाइन ओके है, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, रोमांस वगैरह इज ओके, कैरेक्टर्स अननेसेसरी ऐड हुए हैं एंड डायरेक्शन भी थोड़ा लो था. रेस्ट डांस, मतलब वो मुंडिया सॉन्ग इज गुड, वो साथ ही सॉन्ग्स आर रियली नाइस. सो गो इन टू वॉचिंग, गो इन टू एक्सपेक्टिंग एन ओके फिल्म, क्योंकि द फिल्म विल जेन्युइनली सेल ऑन इट्स वैल्यू पॉइंट. जैसे एक्शन अच्छा है टाइगर का, डांस अच्छा है टाइगर का, दिशा इज ओके. तो आप देखिए, रिवील नहीं करूँगा मैं ज़्यादा मूवी के बारे में. बागी टू, बागी टू इज डेफिनेटली नाइस, डेफिनेटली बेटर देन बागी वन. द थिंग इज कैरेक्टर्स अननेसेसरी, देर आर लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ इन द मूवी. क्योंकि आप देखेंगे मूवी में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ऐड हुए हैं. द कैरेक्टर्स को कुछ ज़्यादा ये मिला नहीं है, रेवोल्यूशन मिला नहीं है. पिक्चर अच्छी है, सुपर हिट पिक्चर. फर्स्ट हाफ थोड़ा डल है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत अच्छा है. टाइगर की एक्टिंग कितनी कन्विंसिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग. एक्शन, एक्शन तो ऑलवेज अच्छा ही रहता है टाइगर श्रॉफ का. गाना आतिफ असलम का अच्छा था, बट मुझे मोहिनी सॉन्ग आइटम सॉन्ग उतना अच्छा नहीं लगा. ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं थी. उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा था जैकलिन फर्नांडिस का, बट सॉन्ग उतना अच्छा नहीं लगा. आउट ऑफ 5, 3 स्टार, 1 टाइम. द केमिस्ट्री वॉज वेरी गुड, बट दे वाइंडेड अप द लव स्टोरी वॉज टोटली इन अ सॉन्ग. आतिफ का जो सॉन्ग है वो साथी, तो पूरा जो लव स्टोरी एक्सपेक्टेड था कि एक्सपेक्ट बड़ा रहेगा, लेकिन वो एक सॉन्ग में उन्होंने ख़त्म कर दिया. फिर बाद में थोड़ा 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 दिखाते गए. फिर उसके बाद जो एंड सीन है, आतिफ का जो सॉन्ग उन्होंने फिट किया प्रॉपर, और जो केमिस्ट्री, सस्पेंस बहुत है मूवी में. जिस तरीके से सस्पेंस खुलते गए धीरे धीरे, छोटे 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 सस्पेंस, वो बहुत अच्छे थे. या हिज कैमियो, इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम, सो इट वॉज वेरी गुड. फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा था. एक्शन मूवी था तो एक्सपेक्ट भी, एक्शन बहुत अच्छा था. टाइगर किल्ड इट इन एक्शन, सो इट वॉज वेरी गुड.